शिरडी साई सेवा समिति हमीरपुर द्वारा भव्य साई शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा शिव मंदिर से शुरू होते हुए भोटा चौक, नदौन चौक होते हुए रथ यात्रा गांधी चौक तक पहुंची। शोभा यात्रा ने पूरी बाजार की परिक्रमा की और शिव मंदिर में जाकर ये सम्पन्न हुई। शोभा यात्रा में साई भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। समिति द्वारा 5 वर्षों में समिति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोषा अध्यक्ष को भी साईं बाबा की फोटो देकर सम्मानित किया गया। शिरडी साईं सेवा समिति की प्रधान सरिता गौतम ने बताया कि आज समिति के पूरे 5 वर्ष होने के उपलक्ष्य पर साईं बाबा की पालकी निकाली जा रही है, जिसमें शिरडी से आए हुए कलाकार झांकियां प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 वर्षों में समिति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोषा अध्यक्ष को साईं बाबा की फोटो देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि हर साल ही बाबा की रथ यात्रा निकाली जाती है, वहीं समिति द्वारा इस बार 10वां दान भी दिया गया। सब भक्तों को मेरा ओम साईं राम। हमने शिरडी साईं सेवा समिति जो थी गरीबों के लिए 19 जून 2013 को मैंने बनाई थी, और मेरा यही था समिति के लिए कि गरीबों की सेवा करूंगी और बाबा के अच्छे अच्छे कार्यों में आगे निकलूंगी। और बाबा जी का यही आशीर्वाद रहा और आप लोगों को अभी सहयोग रहा। जो 5 साल मेरी समिति जो बहुत अच्छी रही, हमने इन 5 सालों में बाबा जी के 10 दान दिए, जिसमें 10 दान में 2 हमारे सेल्फ दान गए और 8 हमारे गरीबों के दान दिए गए। आज भी मैंने अपने एक गरीब के लिए दान दिया गया, और हमारा 5 साल में सबसे अच्छा कार्य जो है मेरा कोषाध्यक्ष जो है सुमति प्रकाश गौतम जी ने वो सबसे अच्छा कार्य किया। 5 साल उन्होंने नेकी से काम चलाया और हर मीटिंग में पहुंचते थे। जब भी हमारा डिप्टी कमिश्नर एसडीएम से मिलन होता था, हमेशा वो हमेशा कार्य में आगे रहते थे। इसकी खुशी में मैंने आज उनको भी ऑनर करा, और हमारी समिति के लिए मैं सबसे आगे से भी अब यही कहूंगी कि बाबा जी का आशीर्वाद भी चलेगा और लोगों के सहयोग से भी आगे हम फिर हमारी समिति जैसे पीछे पहले काम करती रही, आगे भी हम लोग उसी कार्य में आगे बढ़ते रहे। हमारी पालकी जो है शिव मंदिर से 4:30 के बीच निकली, हमारा जो है भोटा चौक, बस स्टैंड, नदौन चौक और हम गांधी चौक पे पहुंच गए। अभी हमारी वापसी यही पालकी जो है शिव मंदिर तक जाएगी, और शिव मंदिर पहुंचने पर ही हम लोग बाबा जी का प्रसाद जो है दिया जा रहा, जैसे उसमें जा के लिए थोड़ा सा खाने पीने, बाबा जी का जो हुक्म दिया था, जो कुछ करना था सब बाबा जी के हुक्म से किया जाता है,